नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है, 7 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं। मरने वालों का ताल्लुक एक ही परिवार से, माता वैष्णो देवी जा रहे थे ये श्रद्धालु। तो अंबाला दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, मरने वाले एक ही परिवार के थे, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और ये सभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये सभी मिनी बस में सवार थे जो कि हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अंबाला दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ जिसमें मिनी बस हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए और मरने वाले लोगों का एक ही परिवार से ताल्लुक था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अंबाला दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजेंद्र सिंह जी वैष्णो देवी जा रहे थे, बुलंदशहर से आए, रात को एक्सीडेंट हो गया, 32-33 लोग शामिल थे। हम तो रात को सो गए थे जी, पता नहीं कैसा ये पता नहीं कैसा हो गया एक्सीडेंट। कितने? 2:30 बजे। कितने लोगों की डेथ? 7 लोगों की, बच्चे लगा के 7 लोग। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कृष्णा वाली हैं। कृष्णा, कैसे पेश आया ये हादसा और क्या मरने वालों की अभी तक कोई जानकारी सामने आई है क्या? वैसे इनकी अगर हम बात करें तो ये सभी लोग बुलंद यूपी के बुलंद शहर से माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे और टेम्पो ट्रेवल के अंदर ये लोग जा रहे थे जो 27 सीटर होता है, लेकिन इसमें 26 तो वयस्क थे और लगभग 6 छोटे बच्चे थे जिनको कह सकते हैं कि ये लगभग इसके अंदर 32 लोग सवार थे। और खाना खा के जिस समय ये रात के समय निकले, लेकिन ये अल सुबह का मामला है, और जिस समय ये निकले तो आगे एक ट्रक स्लो गति से जा रहा था, तो पीछे से शायद या तो ड्राइवर को नींद आ गई या उनको कुछ नजर नहीं आया, एक तरफ से गाड़ी बचाते हुए साइड के अंदर लगी और हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परकच्चे उड़ गए और मौके पर ही लगभग 3 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हॉस्पिटल ले जाते ले जाते लगभग 3 से 4 लोगों की मौत और हो चुकी, तो इस हादसे में अगर हम कहें तो टोटल लगभग 7 लोगों की मौके पर इसकी मौत हो चुकी है और जो लोग घायल थे उनको अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल और शाहबाद के पास जो आदेश हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ये जांचने की कोशिश कर रही है कि इसके हादसे में इस जो हादसा हुआ इसमें किसकी गलती है, आगे जो ट्रक ड्राइवर था उसकी या जो टेम्पो ट्रेवल चला रहा था उसकी गलती है। फिलहाल सब मामले की जांच अभी होनी है और घायलों को अभी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जी, तो पुलिस अपने कार्यवाही में लगी हुई है, तो घायलों की हालत अभी कैसी है? घायलों की हालत अभी सिर बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर की अगर माने तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी इनकी हालत स्थिर है, कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो इनके आगे चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इनका इलाज कर रहे हैं, जब ज्यादा स्थिति खराब होगी तो इनको रेफर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अंबाला में इनका इलाज हो रहा है। जी कृष्णा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए।